रो क्यों रहा है? कहाँ से हो आप? चंडीगढ़ चंडीगढ़ से? गुड मॉर्निंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हैप्पी शुभरात्रि सबसे पहले आपको। और आज जो है मैंने व्रत रखा है, तो अब मैं मंदिर जाऊंगा, तो देखते हैं वहाँ पे। उस पहाड़ में जाखू है, जाखू का टेम्पल है, और वहाँ से नीचे उतरूंगा मॉल रोड, और वहाँ से मैं शिव मंदिर जाऊंगा, और वहाँ पे दो तीन मंदिर है, वहाँ पे उनको भी घूमूंगा। तो देखते हैं कैसा रहता है आज का सफर। तो गाइस देखते हैं कैसा रहता है ये चैलेंज। चैलेंज भी है यार फास्ट रखना लड़कों के लिए, तो देखते हैं। और मैंने अपने दोस्त को कॉल किया था, तो वो बोल रहा था कि मेरे से कहा जाता भूखे और मेरे को भूख लग जाती है, तो मैं क्या ठीक है। और भाई को बोला तो उसने पहले ही बादाम और चाय खा पी ली थी। तो आप देखते हैं ये जाखू, जाखू वाला रास्ता जो कि सिंजौली से जाखू को जाता है, और बहुत ही पीसफुल है और बहुत ही मज़ा आता है इस रास्ते में जाने का। जब मैं स्नो पड़ी थी ना पिछले साल, तो मैं इसी रास्ते से जाखू गया था। सुबह से मान के चलते हैं 8 बजे से, कल सुबह के 8 बजे तक भूखे रहना है भाई। तो देखते हैं, तो यहाँ से बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू आता है सिंजौली का, जो कि अभी मेरी आंखों के सामने है। चलो आपको दिखाते हैं। तो ये है सिंजौली का प्यारा व्यू जो यहाँ से दिखता है, और यहाँ पे आप बैठ के टाइम स्पेंड भी कर सकते हो किसी के साथ। तो कपल के लिए भी ये बहुत ही अच्छी जगह है, जो कपल है तो वो यहाँ आ सकता है, और अपने दोस्तों के साथ भी आप यहाँ आ सकते हो। और यहाँ पे बैठने के लिए एक जगह बहुत ही अच्छी है, एक बड़ा सा पत्थर है, वहाँ पे आप बैठ के व्यू का आनंद ले सकते हैं और अपने पलों को बहुत ही यादगार बना सकते हैं। देख सकते हैं ये है बड़ा सारा पत्थर, पर क्या करें थोड़ी सी ये पत्ते आगे आए हैं टहनियाँ, और बाकी व्यू बहुत ही कूल है यहाँ से। अगर गाइस आपको शांतिमय जगह चाहिए जहाँ पे बहुत ही शांति हो, तो भाई मैं जगह करूँगा प्रेफर जाखू, ओनली जाखू, क्योंकि ये जगह और रास्ते इतने शांति भरे हैं ना भाई, बहुत ही ज़्यादा शांति है यहाँ पे। ये है जाखू का एंट्र द्वार। तो यहाँ पे भाई इस बंदर ने ताजा ताजा चश्मा चुराया अभी मेरी आंखों के सामने, तो जब भी आप आए यहाँ पे तो अपने स्पेक्स चश्मे वगैरह बंदर से बचा के रखें, बहुत अच्छा लगा भाई। और शांति कैसी है यहाँ पे? भोले नमः शिव। प्रसाद भी मिल आइए, लेकिन खाना नहीं है। जय श्री राम। क्या खुश आया मैं उस पहाड़ से। कालीबाड़ी माता का मंदिर यहाँ पे ये है सामने, और ये शिव का मंदिर है इस पहाड़ी पे है, तारा देवी का मंदिर। मैं गया नहीं उस साइड, जब मौका मिलेगा तब जाऊंगा मैं। राम मंदिर भी है यहाँ पे, और वो भी यहाँ कहीं है, यहाँ मतलब यहाँ कहीं है, तो वो जो है राम मंदिर। अच्छा वो दिख गया, ये राम मंदिर है, यहाँ भी जाऊँगा आज मैं। तो 4 मंदिर जो है मैंने कंप्लीट करने हैं आज। मैं पहुँचाऊँगा 20 सेंट्रल पॉइंट के पास, और यहाँ से जाऊँगा शिव मंदिर जो कि आगे है। अभी मंदिर में देखेंगे हम, क्योंकि काफ़ी भीड़ लगी हुई है मंदिर में। तो यहाँ से ये जो नीचे वाला रोड है उस पर ही मंदिर है, ये देख सकते हैं आप, चाइना टाउन से लेफ्ट। बिल और ये पत्ते, बिल के पत्ते, बिल पत्ते ही बोलते हैं इसको, लोग इससे पैसे कमा रहे हैं। हमारे गांव में फ्री में आती है वो पेड़ों से। तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ है, काफ़ी ही लाइन लगी हुई है सुबह की। मैं राम मंदिर जा के आता हूँ। देख रहे हो भांग का बिजनेस, यहाँ पे गोटा बनेगा, और गोटा हमारे नसीब में होगा तो पी लेंगे, नहीं व्रत है भाई कैसे पी सकते हैं। यहाँ नीचे मिडिल बाजार है, और यहाँ पे शॉपिंग के लिए काफ़ी सारी दुकानें हैं। और तो यहाँ से एक टनल भी जाती है जो पहुँचती है लखनऊ बाजार। टेन सर कैसे हो? क्या बात है, ठीक है बात। आप कैसे हो? कैसे चल रहा है? बोलता हूँ शिमला का राम मंदिर भी बहुत अच्छा है, जो मैंने पहले भी देखा है, और मैं पहले भी गया हूँ वहाँ पे, तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ शिमला का। तो ये है शिमला का राम मंदिर, और देखते हैं अंदर जाके। मैं हूँ राम मंदिर के पास। सबसे पहले हमें हनुमान जी मिलते हैं, और इस साइड कुछ इस तरह से सजाया हुआ है यहाँ पे, बहुत ही प्यारा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या है, लेकिन काफ़ी अच्छा है। अभी गिरा देंगे इनको, तब ले लेंगे, ठीक है सर, चलो चल जाएंगे साथ में, सब अच्छा लगेगा। राधे कृष्ण।
यहाँ पे बरात आई है जी। अरे पूरे शादी का माहौल है यहाँ पे। अब ये कह रहे हैं कि अभी रिबन कटाई होगी। बाहर जाना है। बाहर से मिलाता हूँ। आजो 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 आजो। चलो वही यार। शिव की बरात आ गई है। आप जाओ शिव के मंदिर जाएगी। यानी गौर के घर अरे वाह पूरी प्रोग्रामिंग है भाई। पूरा सामान है जो शादी में ले जाया जाता है बरात में। ये शिव की बरात पहुंच चुकी है द्वार पे और यहाँ पे रिबन कटिंग होने वाली है तो वो हो रही है यहाँ पे और काफ़ी भीड़ है। तो ये है राधा कृष्ण मंदिर जो कि शिमला में ही है राम मंदिर से आगे थोड़ा सा। तो जी आज बंद है। अच्छा कितने बजे? 4 बजे खुलेगा राम मंदिर। गया था मैं वहाँ पे तो बरात आई है शिवजी जी। यहाँ से गई? अरे वाह सब तो सही है। शाम को आएंगे बरात वापस। पार्वती आई ठीक है सर सही है। तो ये राधा कृष्ण मंदिर है शिमला में और सही है राम मंदिर के पास ही है। यहाँ से बरात गई है। राधा कृष्ण मंदिर में भी शिव की पिंडी है भाई। मतलब मुझे पता नहीं है कि फल फूल खा सकते हैं कि नहीं लेकिन मैं नहीं खाऊंगा इनको संभाल कर रखूंगा। बस नहीं खाऊंगा जब भूख लगेगी। अभी मेरे गले की आवाज़ पता नहीं कहीं कहाँ खो गई है। जो ओरिजिनल आवाज़ है वो खो गई है कहीं और जो पता नहीं क्या हुआ है ये ओरिजिनल आवाज़ नहीं है। और अभी सूच डालूंगा मैं ऊपर जाऊंगा। अभी एक मंदिर रह गया पता दिन में आज मैंने कितने मंदिर कंप्लीट करे। 1, 2, 3, 4 चौथा ये है 5वां ऊपर है जो शिव मंदिर है ऊपर मॉल रोड पे। उसमें बहुत भीड़ है यार। उसमें अंदर पता नहीं कब पहुँचा बहुत लाइनें लगी है। उसमें पार्वती को साथ लेके आएगी यहाँ पे तो यहाँ पे फुल तैयारी चली है जोरों शोरों से। तो आज का दिन पूरे इंडिया में हो गए हैं और अभी तक मुझे भूख नहीं लगी है तो इसका मतलब है कि मैं सर्वाइव कर पाऊंगा। मतलब पूरा दिन रात को पता नहीं रात को सुबह टाइम या तो नींद नहीं आई या कुछ तो देखेंगे कि क्या होता है। और व्रत तो व्रत है भाई। और मैं आज खाना बनाने से बच रहा हूँ तो खुशी लग लगती है भूख भी नहीं है और आपका भी साथ है तो आपका आशीर्वाद है। तो भाई ये बंदा इधर रोने लग गया तो तेरी मम्मा को ढूंढते हैं। चल आजा। तू रो क्यों रहा है? कहाँ से हो आप? चंडीगढ़। चंडीगढ़ से? चलो ढूंढते हैं। अंकल का नंबर है पता? कोई कोई नंबर पता नहीं बस ये पता है। क्या पता है? स्टार्ट किससे होता है मेरी मम्मा का नंबर। अरे हो नहीं चाहिए पूरा नंबर चाहिए ना फिर। टेंशन नहीं ले हम ढूंढ लेंगे उनको। वॉशरूम भी तो जा सकते हैं। तो वॉशरूम दो है कि लकड़ बाजार में है किस साइड है कौन से वाले में जाना तुम्हें? देख भाई देखता रहियो तू भी। तो यहीं से घूम के आएंगे ना यहाँ से दिख जाएंगे वो। और रोना रहे ब्लॉग में आएगा ब्लॉग में आएगा है। चल कोई ना आ जा तेरी मम्मी को भी ढूंढ लेंगे। तो भाई इसके बाद इसको मिल गया है। नमस्ते अंकल जी। रोने लग गया था ना। अच्छा फिर मैं क्या ढूंढते हैं फिर। अच्छा इसके पास नंबर बोल रहा याद ही नहीं था। अच्छा हाँ फिर आप कहाँ गए थे? मैं एक्चुअली हम नीचे खड़े थे। अरे रो मत भाई हमारे साथ आ गया ये खेल वहां रहा था तो रह गया। फिर हमने सोचा वॉशरूम वगैरह गए होने। वेलकम जी। तो ये बंदा रोने लग गया भाई। तो अभी जाके ये भीड़ जो है बहुत कम हुई है। तो भगवान इस दुनिया को खुश रख और दुख से दूर कर और दुखताओं से बचाओ भगवान। प्रसाद मिला मुझे जितने भी मंदिरों में गया दर्शन करके आया। आज भाई मेरी पीठ ही बहुत दर्द कर रही है बाकी और कोई सीन नहीं है। और पूरा दिन आज घूमता रहा तो पीठ दर्द कर रही है। अभी 4:30 के करीब ऊपर टाइम हो गया है।
तो चलते हैं, अब मैं संजौली जा रहा हूँ, तो मिलते हैं आपको। अभी खाना नहीं खाया है तो थोड़ी बहुत भूख भी नहीं लगी है, अभी मेरे को बिल्कुल भूख नहीं लगी है अभी। तो अभी मैं हूँ लकड़ बाज़ार में, जो कि शिमला में है फेमस, और मिलते हैं आपको संजौली में। मैं पहुँच चुका हूँ अपने शहर संजौली में, तो अभी मेरे को थोड़ी बहुत भूख लगी है, उसके बाद देखते हैं रूम में पहुँच जाऊँगा, मैं थक जाऊँगा। सो गाइस, मुझे बताया मेरे दोस्तों ने कि फुलहाल खा सकता है तू, आलू का बना होता है, तो बस मैंने वही अभी मैं आलू लाया दुकान से, मैंने उसके बाद मैं फुलहाल बनाऊंगा और मैं खाऊंगा। और मेरी आवाज वही हुई पता नहीं क्या हुआ, तो बनाते हैं खाते हैं, फिर मिलते हैं आपको कल, बाय बाय।